वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं बकरा ईद पर बहुत ही मज़ेदार मटन का सालन। मटन का सालन बनाने के लिए 2 अदद प्याज लिए हैं और 1 अदद टमाटर, इसको प्रेशर में काट दिया है। और साथ ही साथ हमने ये घर के मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, चिली फ्लेक्स और साथ में गरम मसाला थोड़ा सा और साथ में ज़ीरा ये ऐड करके हमने इसमें मटन ऐड कर दिया। मटन ऐड करने के बाद इसमें हसब ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि ये मटन जस्ट भीग जाए ताकि आपके पास बाद में एक्सेस में पानी ना हो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी वाला पकाना है तो उसके लिए इतना पानी होना चाहिए कि मटन भीग जाए और उसमें कुक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 से 3 चम्मच ऐड किया है, ठीक है। ये टोटली आपकी चॉइस है, अभी आप हाफ़ ऐड कर लें और हाफ आप बाद में ऐड कर लें, लेकिन 3 से 4-5 चम्मच तकरीबन ये जाएगा, ठीक है। नॉर्मल चम्मच, बहुत बड़े वाले नहीं। यहाँ पे मैंने अलग से जो है वो प्याज गोल्डन ब्राउन किया है, यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। इनको भी आपने जलाना नहीं है, ठीक है, लेकिन गोल्डन ब्राउन करके इनको आपने निकाले। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला लिया है जिसमें इलायची, सब्ज़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काले मिर्चें, लौंग, जायफल और अजवाइन का थोड़ा थोड़ा सा पाउडर टाइप बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो है वह प्याज़ों को निकाल लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म तेल में ही ये गर्म मसाले, ठीक है। और देन इसको थोड़ी देर सॉटे करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं जी। तो यहाँ पे खड़े मसाले हमारे भुन चुके हैं और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। देन हम ये मटन जो है हमारा वो भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, इसमें से मटन अलग निकाल के यखनी अलग कर देंगे और हम इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ी देर इसको भून लेंगे। यहाँ पे 2 अदद टमाटर और बाकी रेगुलर मसाले घर के 1-1 टेबल स्पून, ठीक है। और यहाँ पे दही ऐड किया था तकरीबन 1 कटोरी के जितना, 1 कप, और इसको ग्राइंड करके और साथ में मैंने इसमें गोल्डन किए हुए जो प्याज थे वो भी ग्राइंड कर लिए। यहाँ आपने यखनी डालते जाना थोड़ी थोड़ी और इसको भूनते जाना है, ठीक है। थोड़ी सी ग्रेवी रह जाएगी तो बस इस पर दम दे देना है और ऊपर आपने अदरक और हरी मिर्चें डाल देनी है। आपका बहुत शुक्रिया देखने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।